जी की स्वागत है आपका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। सोच के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुल यूसुफ नौलखी के द्वारा लिखा गया है। पाप से भागें, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 18 में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर के 3 लोग ऐसे हैं जिनकी परमेश्वर के दूतों के द्वारा उनके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी हुई थी। उनमें से एक शिमशोन, दूसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और तीसरे प्रभु यीशु मसीह हैं। जब शिमशोन का जन्म होना था तो जन्म से पहले ही परमेश्वर के दूत ने उसकी माता को दर्शन देकर कहा था कि तू ना तो अंगूर का रस पीना ना उससे संबंधित कोई भी चीज लेना, क्योंकि जो तेरे गर्भ से पैदा होगा वो परमेश्वर का नाजीर होगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके ऊपर बड़ी है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की योजना उसके ऊपर ऐसी थी कि वो एक गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 सैनिकों को मार गिराता था। एक ऐसा जन जिसके जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी, 3 अध्यायों में उसका जीवन खत्म हो गया, क्योंकि पाप आपके जीवन को छोटा कर देता है और आपके जीवन में जो आग है उसको खत्म कर देता है। शिमशोन के बारे में अगर आप 14 अध्याय में पढ़ें तो वो एक औरत के साथ था, 15 अध्याय में वो अपनी पत्नी के साथ था जो कि एक पलिश्ती औरत थी, 16 अध्याय में वो एक वैश्या के साथ था। उसके जीवन की यह एक बड़ी कमजोरी थी और उसी कमजोरी का कारण था कि उसने दलीला को अपनी ताकत का राज बता दिया था। उसने बचपन से लेकर कभी अपने बालों को नहीं कटवाया था क्योंकि वो परमेश्वर का नाजीर था, उसके बालों में ताकत थी। जब उसके बाल काट दिए गए तो उसकी ताकत भी चली गई। उसने अपनी कमी को सुधारा नहीं बल्कि लगातार पाप में फंसता गया और एक दिन उसके दुश्मनों ने उसकी आंखें निकाल दी। बाइबल में लिखा है कि जब उसे जेल में डाला गया तो उसके बाल फिर से बढ़ने लगे, क्योंकि जेल में उसके पास कोई लड़की नहीं थी। वहां परमेश्वर ने उसकी ताकत को फिर से बहाल कर दिया। जब आप पाप को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आपको फिर से ताकत देने लग जाता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में समझ नहीं पाते क्योंकि उनके जीवन में पाप काम करता है और वही पाप उनकी आंखों को बंद कर देता है। बाइबल इसीलिए लिखी गई है कि हम उसे पढ़कर समझ सकें कि किन किन लोगों ने कौन सी गलती की, ताकि हम उन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके साथ होकर शैतान की हर एक चाल को नाकामयाब करे और परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, तो वही काम करें जो परमेश्वर को पसंद है। पाप से दूर रहें, व्यभिचार से भागें, रोज प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताएं और बाइबल के वचनों को पढ़ें, ताकि परमेश्वर की शांति जो आपकी समझ से परे है आपके जीवन में काम करे और आप ऊंचे हों। आमीन।